गाइस एक भाई कह रहे हैं मैंने कैंपर चलाई है। कब चलाई कैंपर जी? कुछ एक महीने पहले। इनसे पूछ लीजिएगा पैर पहुंचते तुम्हारे। तो दिन चलाया मैंने। गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज का व्लॉग काफ़ी स्पेशल है मेरे लिए, मैं क्योंकि आज का इस व्लॉग का मैं काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि गाइस फाइनली मैं अपने ब्रिज में पहुंच चुका हूं। एंड गाइस जो आज का व्लॉग रहेगा वो मेरा कंप्लीट पहाड़ी ट्रेडिशनल के साथ, जो पहाड़ी टोपी है, हिमाचली टोपी है, इसके साथ रहेगा। तो गाइस आज मैं आपको अपने विलेज का कम्प्लीट टूर कराने वाला हूँ। मेरे साथ रहेंगे मेरे कज़न ब्रदर, ये है रोहन एंड ये है मोहित, ये मेरा काफ़ी सपोर्ट देंगे आज मेरे इस व्लॉग में। तो गाइस सबसे पहले स्टार्ट करूंगा मैं अपने सेबों के बगीचे से। तो गाइस अभी मैं हूँ, आप देख सकते हैं मेरे पीछे एंड एप्पल्स के ट्रीज है, उसमें एप्पल्स लगे हैं। तो गाइस स्टार्टिंग मैं सेबों से ही करूंगा, क्योंकि गाइस यहाँ पे जो विलेज में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे सेबों को ही दी जाती है, क्योंकि इसमें ही हमारी आजीविका है एंड कृषि क्षेत्र में भी आते हैं। तो गाइस तो यहीं से लेकर मैं आपको आज गांव का एक्सप्लोर भी कराऊंगा। सबसे पहले स्टार्टिंग यहीं से करूंगा, फिर एप्पल वैली दिखाऊंगा अपनी, उसको भी दिखाऊंगा गाइस। तो स्टार्ट करते हैं। You don't see the things I see. ऐसे तो गाइज एप्पल बहुत सारी वराइटीज है, बट मैं आपको कुछ चुनिंदा वराइटीज बताता हूँ जो हमारे बगीचे में अभी अवेलेबल है। तो गाइज फर्स्ट वराइटी इसको कहते हैं गाइज स्पर वराइटी, एंड ये भी काफी अच्छी वराइटी है एंड काफी जल्दी आ जाता है। ऐसे वराइटी तो काफी ज्यादा है यहाँ पे, ज्यादातर काफी ज्यादा वराइटीज है, जैसे रॉयल्स हो गया एंड गोल्डन्स हो गए एंड रेड गोल्डन्स हो गए। तो गाइज अब एप्पल की ओर से चलते हुए अब चलते हम गौशाला की ओर, जो यहीं पे है हमारे बगीचे के साथ ही गौशाला बनाई गई है। तो गाइज अब मैं गौशाला की ओर ले चलता हूँ आपको। सो अभी गाइज आ चुका हूँ मैं गौशाला में अपनी, ये है मेरे पीछे गौशाला, तो अंदर जाके एक्सप्लोर कराता हूँ आपको अपनी गौशाला का। सो गाइज ये है हमारी गौशाला, अंदर एक काव भी है एंड ये काव अभी घर में ही बांध रखी है, आप देख सकते हैं उनका जो बांधने का। यहाँ पे एक ड्रम रखा गया है इनके लिए, पानी के लिए स्पेशली। तो गाय अभी देख रही है हमको। तो गाइज ये है हमारा पानी का टैंक, काफी बड़ा है। अभी तो गाइज आपको इसमें कंकाल तंत्र दिख रहे होंगे सारे, जितने भी कंकाल तंत्र, क्योंकि गाइज यहाँ पे कुछ दिनों पहले बैल पड़ गया था, जिसके कारण यहाँ पे उसकी अवशेष है, हड्डियां है। तो गाइज इससे पहले मैंने इसमें इसी टैंक में स्विमिंग की है, ये टैंक 6 साल पहले का बना हुआ है। तो गाइज मैंने इसमें ही कंप्लीट स्विमिंग सीखी है। ये जो टैंक है ये बगीचे के साथ बना है, ये हमारा बगीचा है उसके साथ ही बना है ये टैंक, आप देख सकते हैं गाइस इसको। I'll tell you things you won't believe. एप्पल का जो बगीचे का काफी अच्छा Above the sky. तो गाइस आप देख सकते हैं ये है एप्पल वैली, थुनारा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि गाइस मैं काफी ज्यादा हाइट में आया हूँ, सबसे टॉप में आया हूँ, वहां से कम्प्लीट व्यू आ जाता है। तो गाइस मैं आपको कंप्लीट व्यू दिखा रहा हूँ यहाँ का, जो सेबों का बाग है यहाँ पे थुनारा में, ऑर्चर्ड है, तो कंप्लीट आप गाइस देख सकते हैं यहाँ से, ये दूर दूर तक आगे तक फैला है। सो गाइस अब ले चलता हूँ आपको अपने विलेज एंड अपने गांव को नजदीक से दिखाता हूँ। सो गाइज अभी काफी हाइट में आया हूँ मैं, यहाँ से जो गाइज हमारे गाँव का कम्प्लीट व्यू आ जाता है, तो इसलिए गाइज मुझे हाइट में आना पड़ा थोड़ा, क्योंकि यहाँ से गाइज कंप्लीट व्यू आ जाता है हमारे गांव का। तो गाइज आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ से थोड़ा थोड़ा आपको मेरा गांव दिख रहा होगा, काफी ज्यादा हाइट में हूँ मैं इस वक्त एंड आप देख सकते हैं गाइज। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ से कंप्लीट व्यू मेरे विलेज का एंड ये भी। तो गाइज इतना ऊपर चढ़ के आया हूँ मैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं गाइज, यदि मैं थोड़ा जूमिंग को क्लोज करूँ तो ये है गाइज, क्योंकि गाइज यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है जो विलेज का है मेरे, वो काफी अच्छा व्यू आ जाता है यहाँ से। एंड गाइज आप देख सकते हैं जो छत है हमारे जो विलेज की है कंप्लीट टीन शेड की बनाई गई होती है, चादर होती है, तो इसलिए बनाया जाता है क्योंकि गाइज यहाँ पे बर्फ काफी ज्यादा पड़ती है
दिसंबर के महीने में, तो इस वजह से यहाँ पे जो यहाँ का छत है वो कम्प्लीटली चादर से बनाया जाता है, जिससे कि जो बर्फ है वो इजीली निकल सके, नहीं तो गाइज निकलती नहीं इजीली, तो इसलिए थोड़ी डाल भी होती है यहाँ के छतों की, आप देख सकते हैं गाइज काफ़ी जूमिंग करके। एंड यहाँ से और भी गांव आ जाते हैं, यहाँ से नियरेस्ट विलेज आ जाता है, यहाँ से एक भुटानो पड़ता है यहाँ पे, ये गाइज देख सकते हैं आप, एंड यहाँ से अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं और भुटानो में जानी जो इसके फ्रंट सामने दिख जाते हैं, एंड यहाँ से जो लोकेशन गांव की गांव के साथ साथ की वो कंप्लीट आ जाती है, यहाँ से दूर दूर तक अच्छी लोकेशन आ जाती है कम्प्लीटली देख सकते हैं आप। एंड जितने भी गाइज यहाँ से जो गांव दिख जाते हैं उनमें से सबसे हाइट में हमारा ही गांव है। अब यहाँ से घर की ओर निकलते हैं, तो वहाँ से आपको एक्सप्लोर कराता हूँ अपने गांव। गाइज अभी आ गए हम रोड में, गाड़ी वाली रोड में, जो हाल में ही कटी है यहाँ के लिए रोड, एंड 15 से 20 दिन अभी विलेज में रोड पहुँची है। तो गाइज आप देख सकते हैं अभी यहाँ की रोड इतनी ज़्यादा कम्प्लीट बनी नहीं है, फिर भी गाइज गाड़ी कम्प्लीट गांव तक पहुंच जाती है यहाँ की रोड में। गाइज अभी थोड़ा टेम्परेचर बहुत है और गाइज धूप भी काफ़ी हो रही है, हमने धूप में आज ब्लॉग शूट करने की कोशिश की क्योंकि गाइज आज मौसम काफ़ी सही लगा ब्लॉग शूट करने के लिए, बाकी टाइम तो मौसम थोड़ा ख़राब ही रहता था। सो गाइज अभी यहाँ पे रोड में एक बाइक लगी है, पल्सर 220। हेलो गाइज, गिराना मत इसको, थाम भी नहीं जा रही तेरे को बाइक है, कहाँ थाम देगा तू, बैठ जा बैठ जा, ट्रस्ट क्यों नहीं है, ये बड़े चलाता है, चला बैठ जा। तो ये है गाइज हैवी ड्राइवर हमारे दोनों छोटे छोटे कजन्स ब्रदर, आती भी चलाने के लिए, खाली पकड़ रखी है, इससे पहले चलाई है, कब चलाई, i20 चलाई, मैं तो बिल्कुल चला रही हूँ ऑल्टो फॉर्च्यूनर कैंपर। ओह और क्या है? अच्छा तो देखा गाइस कैसे बातें कर रहे हैं, ऑल्टो फॉर्च्यूनर और कैंपर की बात कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहा मैं, सच में चला रही हूं मैं फॉर्च्यूनर, सच में लग रहा है, और तेरे से तो गाइस एक बाइक कह रहे हैं मैंने कैंपर चलाई, जी हम कब चलाई कैंपर, जी कुछ 6 महीने पहले, इनसे पूछ लीजिए, पैर पहुंचते तुम्हारे, पैर पहुंच जाते, गाड़ी चलाई कह रहे बंदे स्टीयरिंग चलाई, वाह अच्छी बात है भाई। तो गाइस आप देख सकते हैं मेरे पीछे हमारी रोड कट चुकी है, अब आप भी आ सकते हो कम्प्लीटली, आज को गाइस 7 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ता था, बट अब ये है कि यहाँ पे कंप्लीट रोड पहुँच चुकी है गांव में, तो गाइज आप गांव तक ही सफ़र कर सकते हैं। एंड यदि गाइज रियली में बताऊँ गाइज तो घूमने के पर्पज़ से जो विलेज है हम मेरा काफ़ी अच्छा है, यदि आप घूमने का मोड बना सकते हो घूमने के लिए, एंड छोटा सा गांव है एंड काफ़ी अच्छे, आपको पता ही है गांव का कल्चर काफ़ी अच्छा रहता है, तो आप गाइज ज़रूर विजिट कर सकते हैं। सो ये है गाइज कम्प्लीट नज़दीक से गाँव का व्यू, एंड आप देख सकते हैं छोटा सा व्यू गाँव का, आधा गाँव तो यहाँ दिख नहीं रहा है। तो गाइज इस प्रकार से पहाड़ों में खोदा जाता है एंड काफ़ी मेहनत से खोदा जाता है, काफ़ी मेहनत की जाती है। तो गाइज अभी यहाँ पे राजमा बोए जा रही है, राजमा के लिए खोदा जा रहा है, मैं भी अभी खोद रहा हूँ। Was not easy from the start. There were... So guys, अभी आया हूँ ब्लेज के छोटे से स्टेडियम में, क्रिकेट स्टेडियम। तो गाइज हमारा जो स्टेडियम है काफी छोटा है, तो गाइज आप देख सकते हैं पीछे अभी क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चे, एंड तो गाइज मैं दिखाता हूँ आपको अपना छोटा सा स्टेडियम। तो गाइज आप देख सकते हैं छोटा सा स्टेडियम है हमारा, एंड गाइज अभी हाल में ही यहाँ पे रोड की वजह से कट चुका है आधा, फिर भी अभी खेल रहे है यहाँ के, यहाँ तो कहीं पे भी खेल सकते हैं, एंड काफ़ी झाड़ियाँ भी है आजकल, झाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है। To never give up, to never back down. I believe it's true. Every day the sun rises again.